एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बुराड़ी के अंदर और बुराड़ी का एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ उमड़ कर आया है और हमारे बीच में पदम सिंह पारस जी, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक माना और जाना पहचाना नाम है और इन्होंने अच्छा काम किया है। तो पदम सिंह पारस जी, आपका ये पार्टी में ज्वाइन करने का क्या एक मकसद था? आपने ये पार्टी ज्वाइन क्यों की है? आपका तो एक टीवी में अच्छे अच्छे लोग देखते हैं कि पदम सिंह पारस जी हैं। ये ऐसा है कि मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा रहा हूं और साथ ही मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहन BSP जिसमें मैं भी सपोर्टर रहा हूं, लेकिन बहन जी ने हमेशा फिल्म लाइन को अवार्ड किया है, संगीत को भी अवार्ड किया है और वो कहती हैं नाचने गाने वालों को हम अपनी पार्टी के साथ नहीं रखना चाहते। और मैंने नाचने गाने वाला होते हुए भी पार्टी का साथ DS4 के ज़माने से दिया है और जब भी यहाँ फिल्में बनती है तो फिल्में सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिलती है जो सरकारें होती हैं, सरकार अपने कलाकारों को भी फायदा करती है। जबकि BSP से 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, बहन जी ने कभी भी उस कला के क्षेत्र की तरफ कोई विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। तो मैंने सोचा क्यों ना जब हम अपना ही पार्टी बनाएंगे और अपनी चीज़ें रहेंगी तो अपने जो कला से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको चीजें मुहैया कराएंगे जिससे वो आगे बढ़े। लेकिन पदम सिंह जी, आपने बोला कि बहन जी ने कभी प्रेफरेंस नहीं दिया। एक आपने देखा होगा किशोर कुमार पगला जी, वो पगला भी मानवर कांसीराम साहब ने नाम दिया था और वो आयोग के मेंबर बने और राज्य मंत्री बने। जब बात राजनीति में उन्होंने लिया उनको, लेकिन उसका क्या है कि एक नाचना गाना वाला मारे पदक का मतलब फिल्म लाइन से अपोजिट रही है। जब फिल्म लाइन में और रस का जब पागल है जो भी आपके किशोर पगला जी हैं, अगर संगीत को जोड़ना भी चाहती हैं जब बहन जी के लिए टाइम पास करने के लिए भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वही कलाकार काम आता है, उसी कलाकार का निराद्र भी किया जाता है। एक ही आदमी तो है BSP में जो पगला है, पगला के अलावा किसी कलाकार का कोई मान्यता दी हो तो बताइए कहीं, क्या एक ही गला। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी से कहते हैं कि हमारे समाज में जो दलित समाज में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, मैं मानता हूँ 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है तो अगर चाहती तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दलितों को मंत्री के पद और दर्जे मिल जाते, लेकिन मैंने देखा कि एक ही मंत्री को 9-9 विभाग दे दिए। अगर वो 9 विभागों में से 9 विभाग की दूसरी कास्ट को, अपर कास्ट को या दूसरे दलित समाज को दिए जाते तो 9 लोगों का भला होता, कम से कम दूसरे लोगों का विकास होता। तो मैं उन चीज़ों के खिलाफ होते हुए जो हम सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी में देखें और सबको एक दें। बहन जी ने कभी नहीं चाहा कि हमारे समाज का भला हो, अगर चाहती तो आज हमारे समाज का बहुत सारा भला हो चुका होता, बहुत लोग आगे बढ़ चुके होते। जिन लोगों को बहन जी ने आज भी मौका दिया है, आज देख रहे कि जो जिस अपर कास्ट के हमारे से खिलाफ लड़ाई थी हमने उन्हीं को फिर मोहरा बना दिया, हमने अपनी सत्ता उन्हीं के हाथ में दिला दी। तो फिर हम जिनसे लड़ रहे थे, जिनसे हमारी लड़ाई थी उन्हीं के साथ आ गए और उनको ही हमने अपना प्रहरी बना दिया, तो हम लड़ाई किसके साथ करेंगे? लेकिन पदम सिंह जी, हम एक समुदाय से तो हम इतना बड़ा संगठन नहीं इकट्ठा कर सकते। और बहन जी का नारा था सर्व समाज के सम्मान में मायावती मैदान में, पहले कहते थे बहुजन के सम्मान में मायावती मैदान में, जब सर्व समाज आ गया तो लोगों को ये लगा कि मतलब एक ही समुदाय को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो वही आप देख रहे हो कि हमारी पार्टी का जो लोगो है वो हमने इंद्रधनुष को इसीलिए लिया है कि सर समाज, अब हम तो सारे समाज में दो ही तरह से मानते हैं, जैसे कि एक गरीब समाज और एक अमीर समाज। हम इसको जातिवाद में नहीं विभाजित करेंगे, हम गरीबी और अमीरी को सम्मानित करेंगे। और गरीब समाज में जो कलर है हमारे 9-7 कलर है इंद्रधनुष वाले, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे और एक समय लेके आएंगे, एक ही तरीके से विचारधारा को लेके जुड़ेंगे। कलर का मायना क्या है? कलर की जो एक डेफिनेशन है वो क्या है? वो जातिवाद है या क्या है? नहीं, जातिवाद नहीं है, धर्म समाज सारे तरह के लोग हैं, जंग अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सामाजिक लोग हैं। हम इसको ना जाति से जोड़ रहे हैं, ना धर्म से जोड़ रहे हैं, ना किसी एक कलर से कलर को, जैसे भगवा कलर जोड़ रहे हैं, ग्रीन कलर जोड़, ये सब चीज़ें नहीं। हम उसको उन कलरों का मतलब ले रहे हैं कि गरीब अमीर तबका में जो छोटा छोटा समाज है, अलग अलग समाज है, अलग अलग क्षेत्रीय, चाहे संगीत है, चाहे कला है, चाहे दूसरे व्यवसाय है, हम उनको कलर मानते हैं। जरूर जरूर कलर का रंग है कि खाली हमें झंडे से ही जोड़ेंगे उस चीज़ को। कलर का मतलब विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग सारे एक जगह गाएंगे, वो हमारा उसका मानना है, कलर का मतलब ही है। पारस जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि पहले पार्टी के अंदर आप बसपा के अंदर शायद विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँच रहे होंगे या महासचिव भी पहुँचे थे, तो आज आपको इतनी बड़ी उपाधि मिल गई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे या लोगों तक आप अपनी बात पहुँचाएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने राम चौहान जी के साथ में बहुत ये साथ किया और उन्होंने मुझे लायक समझा कि आज मुझे एक अच्छी जिम्मेदारी से नवाजा है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जब नेतागिरी में आता है या पॉलिटिक्स में आता है वो आगे बढ़ना चाहता है, पद प्रवाह की चाहता है,
आज तक बहुजन समाज पार्टी दूसरे समाजों में लोग जुड़े हुए हैं, उनको पद के लिए पद का कोई नाम ही नहीं लिया जाता है। और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि छोटे परिवार से निकल के छोटा गरीब आदमी मेहनत करके अच्छे पद तक पहुँचा जा सकता है और उसकी इज्जत की जा सकती है, कदर की जा सकती है टैलेंट की। तो मैं तो जानता हूँ कि इस पार्टी में आज हम औरों के पीछे लगे रहे, औरों के लिए मेहनत की हमने, आज हम चाहते हैं कि लाइन हमसे शुरू होगी, हम अगर शुरू करेंगे मेहनत करेंगे तो अच्छे लोगों को और मौका देंगे और मेरे जैसे और सारे लोगों को मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। पारस जी, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहे, आपने गाने भी गाए, तो आप एक वो गाना गुनगुनाएं जिससे समाज को ये संदेश पहुंचे कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर, आपका नाम भी रहा, तो एक गाना गुनगुनाएं। इस तरह का गाना तो अचानक कोई मैं क्या जो आपके पास है ऐसे नहीं, फिलहाल कोई अगर नहीं आपके कोई कोई ऐसा तो आप अपनी लाइन के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, आप लाइन के लोगों से या राजनीति अपील क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं सारे जो संगीत से जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो संगीतकार हो गीतकार हो, जब एक आदमी गाने वाला नाचने वाला आदमी मनोज तिवारी जैसा आदमी आके दिल्ली जैसी सरकार में आके एक अच्छा लोकसभा का सांसद बन सकता है, तो संगीत के बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, गीतकार, सबसे मैं आह्वान करूंगा हमारी पार्टी में ज्वाइन करें, सब लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा और उन्हें उनके हिसाब से आगे तरक्की मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि दो चार लोग जो भाजपा में पदाधिकारी रहे, जो बड़े लीडर रहे, चाहे वो अभिनेता रहे हो चाहे सिंगर हो कुछ हो, तो हम चाहते हैं हमारी पार्टी में भी सभी कलाकारों को पूरा सम्मान मिलेगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से जिम्मेवारियां दी जाएंगी। अब पदम सिंह की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई इस तरीके कोई विचारधारा है क्या, फंड देना पड़ेगा या कोई ऐसी मेंबरशिप है जो कटवानी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये चीज़ को हमने भी सोचा है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो फंड के लिए आते हैं, फंड की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमने इसी संदर्भ में हमने सिर्फ अपनी पार्टी जो मेंबरशिप है 5 रुपये से स्टार्ट किया, हम तो 1 रुपया रखना चाहते थे, लेकिन 1 रुपया हमें शायद लोग समझते कि मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में, तो सदस्य अभियान 5 रुपये की रसीद रखी है, इसके अलावा हम किसी गरीब से कोई चंदा नहीं चाहते, कोई सपोर्ट नहीं, चंदा लेंगे उनसे लेंगे जिनके जेब में है या जो दे सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं होगा, ना ऐसा होगा हम सिर्फ फंड बनाने के लिए, बहुत सारी पार्टियां बनती हैं पैसे को इकट्ठा करने के लिए बनती हैं और बहुत सारे लोग देखे होंगे कल कुछ पार्टी में नहीं होते बाद में धनाढ्य हो जाते हैं, 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो हमारा प्रॉपर्टी इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है।